हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो आज जो है दूसरा दिन बर्फबारी का है। अभी मैं इस वक्त जो है वीडियो एडिट कर रहा हूं, तो मुझे लग रहा है इस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल होने वाला है। इस समय जो है करीब 6-7 इंच के करीब बर्फ़ है। जब मैं ये वीडियो डालूंगा तो हो सकता है उस समय के लिए जो है 2-2 फीट तक जो है बर्फ़ यहाँ पर गिर जाए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मगरगोड़ा से जंजाली की तरफ को स्नो है, बाकी स्नो नहीं है। बाकी पीछे अभी जो है स्नो नहीं, ठीक है। मुझे लग रहा है हमारी साइड जो है बर्फ़ ज़्यादा गिर रहा है, तो ये माजरा है दोस्तों। तो इसी प्रकार का एडवेंचर देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ से हमें डर था, वो साइड बिल्कुल क्लियर थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, कोई भी हमें परेशानी नहीं आई। अब जाकर जो है नीचे को स्नो फॉल जो है बढ़ता ही जा रहा है। मुझे लग रहा है जंजाली छतरी से जंजाली की तरफ जब आप जाएंगे तो जो जंजाली वाली साइड है वहाँ पर जो है बर्फ़ ज़्यादा है, बाकी पीछे जो है बर्फ़ नहीं है। तो जगह नहीं है सर। काफ़ी मज़ा आ रहा है दोस्तों, बाहर इतनी सारी बर्फ़ है फिर भी ठंड का कोई एहसास नहीं है। बस हमें अब थोड़ा सा ही सफ़र जंजाली का तय करना रह गया है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बर्फ़ के अंदर जब भी गाड़ी चला रहे होते हैं तो स्पीड जो है 5 और 10 के बीच में होनी चाहिए, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए। भी कम कर देनी चाहिए जब आप जो है स्नो के अंदर ड्राइव कर रहे हो। आगे जाकर हम कहीं अच्छी सी लोकेशन में रुकेंगे और बहुत अच्छे से फोटो शूट करेंगे। एक लोकेशन है आगे जहाँ पर हम रुकेंगे। जैसे जैसे हम जंजाली की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो स्नोफॉल भी और ज़्यादा तेज होता जा रहा है। गाड़ी जो है इसकी डोरी है, तो मुझे डर है कि अगर मुझे ब्रेक लगानी पड़े तो कहीं बाहर ना चली जाए गाड़ी। इस नाले में बहुत सारा स्नो है, हमारी गाड़ी जो है बीचों बीच निकल जाएगी, उतना स्नो है। ये पिछला स्नो यहाँ पर बचा हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा फोटो शूट का आनंद करवाता हूँ। लोग जो है घूमने निकले हुए हैं बर्फ के अंदर, तो मुझे लग रहा है लोकल ही हैं यहाँ के ये।
मगरुगला से ज़्यादा बर्फ़ जो है यहाँ पर है, मुझे एग्जैक्ट पता तो नहीं है लोकेशन का, बट यहाँ से मगरुगला के लिए शॉर्टकट रास्ता है ये मुझे पता है। जैसे ही हम जंजैहली की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो स्नोफॉल और भी तेज़ होती जा रही है। जंजैहली अभी यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर के करीब है। तो गाइस अब हम जो है घर में पहुँच चुके हैं, तो काफ़ी मशक्क़त के बाद हम घर में पहुंचे हैं। बीच में मैं आपको जंजैहली वैली की जो मार्केट है वो नहीं दिखा पाया क्योंकि मेरी बैटरी जो है बिल्कुल पूरी तरह से डेड हो चुकी थी। आई होप गाइस आपको जो है मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय, टेक केयर। मॉर्निंग में जो है अपने ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ क्योंकि ये शानदार नज़ारा जो आपको दिखाना रह गया था, इसीलिए मैंने अपना जो ये ब्लॉग है ये मॉर्निंग में एंड किया है। तो देखिए कितनी खूबसूरत वादियाँ हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।